हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गॉसिप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेशनल T20 कप में शरीक 4 खिलाड़ी कोरोना का शिकार हो गए हैं। टू कंटिन्यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लाहौर में होने वाली नेशनल T20 कप के दूसरे मरहले के दौरान बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए हैं। चारों खिलाड़ियों को 10 रोज के लिए करंटीना कर दिया गया, जबकि आज स्केड्यूल बलूचिस्तान और नॉर्दर्न का मैच मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नेशनल T20 में शरीक बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ियों के COVID-19 टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई है, लिहाजा PCB ने टूर्नामेंट को जारी रखने के लिए मंदरजा ज़ैल इकदाम उठाने का फैसला किया है। साथ ही साथ आपको बताती चलूं, इन चारों खिलाड़ियों को 10 रोज के लिए करंटीना कर दिया गया है। स्क्वाड में शामिल बाकी तमाम खिलाड़ियों के COVID-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। 22 स्कोर बबल में मौजूद तमाम शरीकों के COVID-19 टेस्ट मंगल को लिए गए थे। PCB का कहना है कि बुध को सिंध और सेंट्रल पंजाब का मैच शेड्यूल के मुताबिक 6 खेला गया। PCB का कहना है कि बुध को सिंध और सेंट्रल पंजाब का मैच स्केड्यूल के मुताबिक 6 खेला होगा, जबकि इस रोज खेला जाने वाला दूसरा मैच नॉर्दर्न और बलूचिस्तान के माबैन खेला जाना था, जिसे अब नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब के माबैन मैच से तब्दील कर दिया गया है। 7 अक्टूबर को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के माबैन मैच भी अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। बलूचिस्तान की सेकंड 11 के स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी इस मैच के लिए अपनी फर्स्ट 11 को दस्तयाब होंगे। ये खिलाड़ी एक से दूसरे बबल में मुंतकिल हो जाएंगे, ताहम इस दौरान इनका COVID-19 टेस्ट भी किया जाएगा। PCB का कहना है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ 7 अक्टूबर नेशनल T20 में शिरकत कर सकते हैं। 8 अक्टूबर से वो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए अलहदा बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। So friends, if you like the video, then give it a thumbs up and don't forget to share it with your friends. Stay connected and updated with us. Thank you for watching.